देखिए हमारे बीच में अरविंद केजरीवाल जी थोड़ी कुछ ही सालों में पहुंचने वाले हैं, जैसा कि आप तस्वीरों देख रहे हैं उसका बस्ता जो है यहाँ पे पहुंच गया है। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पहुंचने, देखिए आप ऊपर गेट पे देख रहे हैं कि हिमाचल मांगे केजरीवाल, तो इस तरह से अभी यहाँ पे वोटिंग लगी हुई है। तो आप बने रहे हमारे साथ में, अभी हम आपको दिखाएंगे लाइव जुमसा न्यूज के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी है जो रोड शो जो पीछे चला हुआ वो जहाँ लोगों उनका जो है अभिवादन कर रहे हैं, यहाँ पे काफी देर से लोग इंतजार भी कर रहे हैं, तो अभी पहुंचने वाले हैं। दर्शकों थोड़ा नेट का इशू रहेगा क्योंकि यहाँ पे काफी लोग जो है लाइव है ऑनलाइन है, तो नेट का भी दिक्कत रहेगी यहाँ पे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको यहाँ का पूरा लाइव दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये जो दौरा है हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा नेट की समस्या है यहाँ पे क्योंकि काफी लोग जो है लाइव चले हुए हैं, तो इस वजह से नेट का इशू रहेगा, लेकिन फिर भी हम आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग जो है आपके बीच में रखेंगे। तो अभी देखिए सामने देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, अभी कुछ ही क्षण कुछ ही सेकंड में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। आप बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ लाइव। देखिए अरविंद केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं शहरी मंच पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी वो सामने आप देख रहे हैं, तो सामने आपको दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए आप चारों तरफ अगर नेट का भी दिक्कत रहेगी, लेकिन हम आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी आपके बीच में रखेंगे। देखिए बच्चे बच्चे उनके साथ जो है Thank you.
लाइट लेके चलेंगे तो देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के चेहरे मंच पे मुख्यमंत्री पहुंच के देखिए गाड़ियों में और बात की है मीडिया की तो मीडिया गाड़ियों में भी देखिए किस तरह शूट किए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा भी देखिए लोगों ने केजरीवाल जी यहाँ पहुंचे तो लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी है भगवान जी ने अपना संबोधन जो है वो चारों तरफ कोई सब कुछ चल रहा है कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 5 साल के बाद अपने आप आ जाती है। लोगों के पास कोई तीसरा रास्ता नहीं था, ऐसे ही पंजाब में होता था, ऐसे ही दिल्ली में होता था, लेकिन अब हिमाचल अपना झाड़ू भेजा है अच्छी शिक्षा का बोर्ड है, अच्छे अस्पतालों का बोर्ड है, बिजली पानी की बुनियादी सुविधाओं को बोर्ड है। हमने इनको बोर्ड देकर बहुत दिया, लेकिन इस बार अपने आप करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार,
और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, 20 दिन में भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए, 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। आपको यकीन नहीं होगा ना, आपके यार दोस्त रिश्तेदार पंजाब में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछना, किसी थाने में चले जाओ पंजाब में, किसी रजिस्ट्रार तहसीलदार के किसी दफ्तर में चले जाओ काम कराने, किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। क्यों? अगर हमने 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 75 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार आदमी है, कट्टर लोग कट्टर ईमानदार है हम लोग। पहले पैसा नीचे से ऊपर जाता था मुख्यमंत्री तक, अब ईमानदार मुख्यमंत्री आ गया, पैसा चलना बंद हो गया, जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, करनी नहीं आती, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। दिल्ली में आपके यार दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, दिल्ली फोन करके पूछ लेना, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया, प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ाते दिल्ली के, स्कूल ठीक करने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं। We'll be right back.